की इलाज के दौरान मेरठ में मौत हो गई। वहीं उधर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है। दोनों महिलाओं ने गलत वीडियो बनाकर युवक को ब्लैकमेल किया था। वहीं ब्लैकमेलिंग के दौरान लाखों रुपए ठगने का आरोप भी लगा है। दिनांक 26/10/2021 को श्रीमती पूनम देवी पत्नी स्वर्गीय राजकुमार निवासी बैंक कॉलोनी थाना गजरौला की लिखित तहरीर पर उनके पुत्र मृतक निशांत को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के संबंध में दो महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 648/21 धारा 306 511 120 बी IPC पंजीकृत किया गया था। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अम्बेडकर नगर।